हेलो एवरीवन, मैं हूं ओक्लोरमो सोशल से और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ कैमरास इन अ फोन के बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इंट्रो। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो सबसे पहले चीज स्टार्ट हुई थी एक कैमरा से, जो मेन कैमरा हुआ करता था VGA कैमरा। उसके बाद में जैसे जैसे पिक्सल, जैसे जैसे इनके सेंसर का साइज बढ़ता गया, वैसे वैसे अलग अलग कैमराज आने लग गए, नंबर चेंज होते गए, सेल्फी कैमरा आ गया। उसके बाद में कुछ फोन ऐसे आए बहुत सारे जो एक कैमरा से मूव किया उन्होंने दो प्राइमरी कैमरा पे, जहां पे एक ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता था, दूसरा प्राइमरी कैमरा होता था। उसके बाद में तीन प्राइमरी कैमरा वाले फोन आए, जैसे कि Huawei P20 Pro का। हाल ही में अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं, अगर आप लोगों ने काफी यूट्यूबर्स के वीडियो भी देखे हैं, तो उन्होंने काफी वीडियोस बनाए हैं या टेक न्यूज में इंक्लूड किया है इस नोकिया के फोन के बारे में, जिसमें पांच प्राइमरी कैमरास हैं। यहां पांच, तीन से चार नहीं, उन्होंने सोचा था कि एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फोन में पांच कैमरा की न्यूज पहली बार आई है। इसके पहले भी अगर आपको लाइट कैमरा अगर मालूम है, तो उसमें L16 मॉडल में 16 कैमरास थे, जो एक्चुअली में फ़ोन नहीं है। पर अगर मैं बात करूं उन्हीं का जो नया एक और अपडेट आया था L9 के बारे में, जिसमें 9 कैमरास थे उनके पहले फ़ोन में, जो कम्प्लीटली कैमरा सेंट्रिक फ़ोन था, फोटोग्राफी सेंट्रिक फ़ोन था, जहां पे आपके पास में अलग अलग फोकल लेंथ के अलग अलग फीचर वाले उसमें कैमराज इंक्लूड हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, तो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, ओनली इफ यू लाइक ऑल द वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब। एक क्वेश्चन जो जरूर दिमाग में आता है, वो ये आता है कि क्या नंबर ऑफ कैमराज बढ़ाने से फोटो की क्वालिटी या फिर सेंसर साइज या फिर और भी कोई फीचर बेटर होते हैं? क्या आप उनसे बेटर फोटोज ले पाएंगे? क्या वो मे बी से समथिंग लाइक गूगल पिक्सल 2 या गूगल पिक्सल 2 XL, जो कि फिलहाल में मेरे हिसाब से इज द बेस्ट कैमरा फोन अवेलेबल इन द मार्केट, को बीट कर पाएगा? क्योंकि अगर आप लोगों को मालूम है, गूगल पिक्सल 2 और गूगल पिक्सल 2 XL में सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी कैमरा है, और जो भी काम वो करता है, जितने भी अमेजिंग फोटोज वो लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस एक प्राइमरी कैमरा को यूज करके लेता है, जिसका अपर्चर f1.8 है, जो काफी डिसेंट है। मेन क्वेश्चन रिमेंस द सेम कि क्या कैमरा का नंबर बढ़ाने से आप बेटर फोटोज ले पाएंगे? मैं डेफिनेटली यहां पे बात करना चाहूंगा Huawei P20 Pro की, जो काफी एक्सेप्शनल है, काफी अच्छे फोटोज लेता है। अगेन, अगर मुझे अगेन इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़े, तो मेरे हिसाब से आई वुड स्टिल बी चूजिंग गूगल पिक्सल 2 XL, इसलिए नहीं कि वो अगेन उससे बेटर फोटोज ले पाता है। मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा Huawei P20 Pro माइट बी एबल टू टेक रियली अमेजिंग फोटोज इन लो लाइट कंडीशन, स्पेशली कंसिडरिंग उसका जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं। पर अगर आप थोड़े से क्रिटिकल होकर इस चीज को मेजर करने की कोशिश करोगे कि एक मोबाइल फोन जिसमें तीन प्राइमरी कैमरा है और दूसरा मोबाइल फोन जिसमें सिर्फ एक प्राइमरी कैमरा है, अगर रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आपको क्या लगेगा टेक्नोलॉजी वाइज? दिस क्लियरली मींस कि गूगल पिक्सल 2 और गूगल पिक्सल 2 XL में जो कैमरा है, जो प्राइमरी कैमरा है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया है, उसको उसकी जो पूरी कैपेसिटी है उसके साथ में लाया गया है, और उसी के साथ साथ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी भी काफी स्ट्रांग है गूगल पिक्सल 2 और गूगल पिक्सल 2 XL में, जहां पे अगर आप ऑप्टिकल जूम की बात करें या बैकग्राउंड ब्लर की बात करें या और भी किसी चीज की बात करें, तो इट इज मच मोर बेटर इन कंपैरिजन टू समथिंग विच हैज 3 कैमरास। तो चलिए, ये चीज तो होगी कि ठीक है, आप एक कैमरा नहीं, आप तीन कैमरा लाने चाहते हैं, स्टिल ओके, क्योंकि ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी, मार्केट में हर कोई ये सोचता है कि ज्यादा है तो बेहतर है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर आप लोगों को कैमरा के नंबर बढ़ाने हैं, बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए, क्योंकि वी ऑल वुड लव टू सी सम एक्स्ट्रा फीचर्स कमिंग इन द न्यू कैमरास। या मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर ब्रांड को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, या किसी पर्टिकुलर ब्रांड को मैं पॉपुलर नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ के लिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अनवांटेड, ना तो किसी ने मुझे पैसा दिया है। पर द ओनली थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर इज, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि एक कैमरा अगर आपका पहला प्राइमरी कैमरा है, अगर आपने उसकी कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज किया है अपने फोन में, उसके बाद में इफ इन केस यू हैव सपोर्टिंग कैमरास, तो वो चीज ज्यादा बेहतर होगी, और उस चीज में एंड कंज्यूमर्स लाइक यू एंड मी विल बी एक्चुअली बी एबल टू टेक इवन मोर अमेजिंग फोटोज। अब बात करते हैं ये नोकिया वाला फोन जिसमें पांच कैमरास हैं। तो देखिए, होगा क्या, इसमें से एक प्राइमरी कैमरा होगा जो पूरी कैपेसिटी के साथ में यूज नहीं होगा, ये मैं पक्का दावे के साथ बोल सकता हूं। उसके बाद में आपके पास में एक होगा ऑप्टिकल जूम के लिए, दूसरा हो सकता है शायद वाइड एंगल के लिए हो, तीसरा हो सकता है ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए हो, और चौथा हो सकता है किसी और चीज के लिए हो, और पांचवा तो आपका खैर एक प्राइमरी कैमरा है। तो चलिए एक और लॉजिक टच करके देखते हैं कि एक्चुअली में रीजन क्या हो सकता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैमरास में। तो होता क्या है, जब भी आप सेंसर साइज की बात करें फोन के कैमरा की, तो वहां पे एक पर्टिकुलर लिमिट सेट है।
अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी लिमिटेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा वाइडर करना पड़ेगा अपनी सोच को, और उस चीज के साथ में आता है आपका दूसरा कैमरा। तो जैसे ही आप नंबर ऑफ कैमरास को बढ़ाते हैं आपके पास में और एक्स्ट्रा स्पेस आती है और सेंसर यूज करने के लिए, वो एक्स्ट्रा सेंसर शायद हो सकता है आपके लिए और बेहतर काम करें। यही चीज हुई है Huawei P20 Pro में भी, तो हो सकता है नोकिया माइट बी हैविंग द सेम थिंग्स इन माइंड कि ठीक है 5 कैमरा के साथ में विल बी हैविंग मच मोर बेटर स्पेस टू हैव बेटर सेंसर्स, मोर सेंसर्स, और शायद हो सकता है आप उससे और अच्छी अमेजिंग फोटोज कर पाए। क्योंकि ये चीज तो आप मानेंगे, देयर वाज अ टाइम जहां पे नोकिया लूमिया वाज वन ऑफ द बेस्ट फोन टू टेक ऑल दीज अमेजिंग फोटोज, स्पेशली लूमिया 920 और 720 काफी अमेजिंग फोटोज लेता था उस टाइम पे। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ठीक है उनके इस चीज के आने के साथ में काफी स्ट्रांग प्लान है कि ठीक है दे नीड टू रियली मे बी से सॉर्ट ऑफ डोमिनेट द फोटोग्राफी कैपेसिटी ऑफ अ फोन। उसी के साथ साथ देना मोबाइल फोन्स लाइक लाइट एन 9 जहां पे 9 कैमरा आने की पॉसिबिलिटी है, और प्रीटी श्योर नोकिया के 5 कैमरा वाले फोन के बाद में जो बाकी जितनी कंपनी है उन लोगों के लिए चैलेंज बड़ा सा इवॉल्व हुआ होगा कि ठीक है भाई इसके 5 कैमरा आ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि शायद कोई भी मोबाइल फोन आने वाला है 4 कैमरा के साथ में। एवरीवन विल थिंक दैट ओके यू नो व्हाट वी नीड लाइक 5 कैमरा फोन्स ताकि हम एड पार आ पाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 6 कैमरा फोन के साथ में शायद पहला फोन बनने के लिए ऑनर वीवो और ओप्पो का जो रिसर्च टीम है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा काम करना और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वो चीज लॉन्च हो जाएगी। तो वेरी मच पॉसिबल बिकॉज द वर्ल्ड इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स बेटर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगर आप करंट मार्केट की बात करें तो ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं जिनमें बहुत सारे कैमराज हैं, तो ये बोलना मेरे लिए बिल्कुल भी मतलब खराब नहीं होगा कि एक अच्छे एप्पल से 3 गंदे एप्पल बेटर कभी नहीं हो सकते। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव 1 एप्पल ताकि आप खा तो पाएं, ना कि 3 सड़े एप्पल जो शायद आप ना खा पाएंगे ना रख पाएंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंपैरिजन एकदम सही रहेगा। तो मैं इस वीडियो को इसी नोट के साथ मैं एंड करना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि जैसे ही नंबर ऑफ कैमराज बढ़ते हैं तो क्या वो गारंटी करता है कि आप उससे अमेजिंग फोटोज ले पाएंगे। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर ना तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने व्यूज बताना मत भूलिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो, आई सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज टेक केयर।